गुड मॉर्निंग गाइस, आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है पूजा करने से। तो क्योंकि कल फ्राइडे था इसलिए आज सैटरडे को मेरा पूजा पाठ जल्दी हो जाता है और डे के अकॉर्डिंग मैंने कुछ शूट भी पहना है ब्लैक। और मेरा पूजा पाठ 9 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था, देख सकते हैं। और मैं खा पी कर बैठ भी गई थी। इसके बाद मैंने बनाया था अपने लिए बनाना शेक। दिस से दूध में कितना बनाना शेक बन गया है। बनाना इसको मैं मुझे ज़्यादा नहीं पीना होता क्योंकि इसके बाद मुझे लंच भी करना होता है। तो और इसके बाद ही आया था मेरा दूध पार्सल, बहुत ही घटिया सा बैग और उससे भी घटिया सा स्पून। और बहुत दिनों के बाद घर में बना है सहजन चावल, बहुत लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं इसे। यहाँ पे मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ तो कर रही हूँ, ब्लॉग देख के आगे पता चलेगा, मतलब वीडियो देख कर आगे आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। तो मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की क्योंकि टेप लगा हुआ था बहुत बारीकी से और मेरे नेल सुते हैं नहीं, फिर भी मैंने खोल लिया और देख सकते हैं कितना सुंदर सा गिफ्ट है। और जितना सुंदर गिफ्ट था उससे सुंदर उसकी आवाज़ आ रही थी हवा चलने पे। मन्नू जी को देखिए आज पहना इन्होंने येलो ड्रेस और लगाया भी है पूरा सब कुछ येलो। यहाँ पे मैं मन्नू जी को बोल रही हूँ कि मैं जा रही हूँ बाहर, उनको बैठा कर फिर मैं बाहर जा रही हूँ। और क्योंकि बाहर में काफ़ी धूप है तो इसलिए अब बू बांध कर ही बाहर जाना होता है, वरना बहुत बुरा हाल होता है धूप से। तो मैं मुँह भी बांध रही हूँ और इधर बकर बकर भी कर रही हूँ और बीच में बदमाशी भी हो रही है, देख सकते हैं मेरे वीडियो के पीछे बदमाश को। चलते हैं बाहर, आने के बाद घर पर बन रहा था वेजिटेबल सूप, इसमें कुछ फ्रूट्स भी हैं। वैसे देखने में ऐसा बहुत सुंदर लगता है मुझे। और शाम का चाय भी बन रहा है, इधर बज रहे हैं 5:30 पर, देख सकते हैं कितना धूप है, ऐसा लग रहा है कि अभी 3:30 ही हो रहा है। और मन्नू जी अभी तक सो रहे हैं 5:30 बजे तक, तो मैं आई हूँ उन्हें उठाने के लिए। मन्नू जी उठिए, पर मन्नू जी तो मजा से कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं। उनको मैंने उठाया, मन्नू को उन्हें पानी पिलाई। देखिए मन्नू जी पानी पी रहे हैं उठकर, और ये मन्नू जी गीले हो रहे थे। मन्नू जी यहाँ बैठ के आराम से देख रहे हैं टीवी, तो मैं उन्हें तंग कर रही हूँ इधर। और उनका ये जो गले का हार है, मतलब माला जो है उनका, बार बार गिर के दूसरे साइड आ जाता है। और देखिए आज लंच में क्या बन रहा है हमारे यहाँ। मैंने तैयारी कर रही, एक तरफ मैं तैयारी कर रही हूँ और दूसरी तरफ बन भी रहा है। तो यहाँ पे मसाला भून रहा है, एक तरफ मैंने पनीर काटा है और साथ ही साथ आलू और क्या कहते हैं गोभी को भी मैंने काट लिया। जी हाँ, आज है मम्मी डैडी की एनिवर्सरी, तो आया है केक और बन रही है अच्छी अच्छी, थोड़ी सी अच्छी अच्छे खाने। क्योंकि हम लोगों ने ऐसा डिसाइड नहीं किया था कि सेलिब्रेट करने का, क्योंकि कुछ वजह है। तो फिर भी बस केक काट के और अच्छा थोड़ा बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं हम। फटाफट और ये देखिए पनीर का सब्जी रेडी है, इसका कलर थोड़ा अजीब सा है। यहाँ पे लास्ट में मैं सारा चावल वगैरह बनने के बाद मैं गूंथ रही हूँ आटा। मन्नू जी कर रहे हैं अपना खाने का काम, तो उनको मैं खिला रही हूँ खूब खीर। और देखिए चावल जो मम्मी ने बनाया था उसको खुलने के बाद ऐसा हो गया है। और मुझे थोड़ा सा मटर पनीर का कलर अच्छा लग रहा था, पर मैंने खाया तो मज़ा आ गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी बनाना नहीं था तो मैंने पहले बेल लिया, फिर देख सकते हो मेरी छोटी छोटी मोटी मोटी पूड़ी। कुछ खास तो बना नहीं है पर जो भी है लास्ट में
देखे।